नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हूँ आपका अपना चैनल मिस्ट्री ऑफर पे। देखो बॉस, आज के वीडियो में हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि जैसा ही आप NSP का जो फॉर्म भरे हैं और आपका एप्लीकेशन में दिखा रहा है सेंड टू PFMS, तो उसके बाद आपका पैसा कहाँ तक पहुँचा है वो कैसे चेक कर पाओगे, तो आज के वीडियो में आप लोग यही जानने वाले हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें सर्च करना है PFMS, उसके बाद इतना लिख के PFMS, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसा ही आप लोग सर्च कर दोगे तो ये वाला साइट आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक NSP पेमेंट, आपको ट्रैक NSP पेमेंट वाले जो है यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। जैसा ही ट्रैक NSP पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है बैंक नेम, और उसके बाद एक आपका जो अकाउंट नंबर हो अकाउंट नंबर लिखना है, और आपका जो थर्ड कॉलम में है इसमें आपको लिखना है आपका अपने NSP ID, और इसमें जो लिखना है जो कैप्चा आपको दिख रहा है ये सामने जो दिख रहा है यही आपको लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है बैंक, फिर अकाउंट नंबर, फिर NSP ID जो आपका रहेगा वो लिखना है। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हाँ तो भाई, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अपना बैंक सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो लिख दिया, उसके बाद जो मेरा NSP ID है वो लिख दिया, और सबसे लास्ट में जो वेरिफिकेशन कोड है वो लिख दिया। और यहाँ पे आपको एक सर्च वाला जो बटन दिख रहा है आपको सर्च वाला बटन पर क्लिक कर देना है। जैसा ही सर्च वाला बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका स्कीम नेम दिखा देगा कि आपका कौन सा स्कीम नेम है, मेरिट नेम, यहाँ पर कौन सा आप जो आपका स्कूल है वो दिखा देगा। और यहाँ पर आप लोग देखोगे, जब आप इसको साइड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैसा आने वाला है 12,000 आएगा, और जो आपका स्टेटस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेंडिंग फॉर सनसन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री। तो ये इसका मतलब है कि अभी आपका जो फॉर्म है अभी अंडर मिनिस्ट्री के पास है, अभी जो है आपका ये लगभग 10 से 15 दिन लगेगा, उसके बाद ये आपका जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा। तो आप लोग इस तरह से PFMS में आप देख सकते हो कि आपका जो पेमेंट स्टेटस है कहाँ दिखेगा, सारा जो यहीं पे दिख जाएगा, जो भी आपका स्टेटस रहेगा यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।